देखो ये पिक्चर्स लगभग टच हो चुकी है। साथ ही आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3DX एक्स्ट्रा वेरिएंट है JCB का, जिसमें अराउंड 62 BHP की पावर देखने को मिलती है। अगेन फ्रंट टायर्स की अगर बात करते हैं इसके, तो इसमें अराउंड 18 इंचेस के फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे। साथ ही रियर टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसमें अराउंड 28 इंचेस के ट्यूब्ड टायर देखने को मिलेंगे। फ्रंट से अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा फ्रंट लोडर देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादातर लोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगेन यह पूरी हाइड्रोलिक बेस्ड JCB आती है। साथ ही इसके टायर्स की अगर बात करूं तो इसमें लगभग 12.580 R18 के फ्रंट टायर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही रियर टायर्स की बात करें तो 16.928 के ट्यूब्ड टायर देखने को मिलते हैं इसमें बेसिकली। तो साइड के ओवरव्यू की अगर बात करते हैं, यह है इसके माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो इसमें 4.8 लीटर्स ऑन रोड रनिंग पर आवर का माइलेज देती है। एंड इन केस अगर बैक्यू और लोडर वगैरह चलता है तो उस केसेस में माइलेज अराउंड 6 to 7 लीटर्स पर आवर का इजीली दे देती है। साथ एक और चीज़, जेसीबी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर येलो कलर में ही देखने को मिलेंगे। सो साइड का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो यह एक हार्ड टॉप कह सकते हैं इसको। साथ इसमें हार्ड टॉप कैनोपी देखने को मिलेगी जो कि फुली ग्लास से सील्ड की हुई होती है। अगेन इसमें एज ए विंडो सारे ग्लास इजीली ओपन हो जाते हैं। सो थोड़ा सा रियर का लुक चेकआउट करवा देता हूँ तो यहाँ पे एक बैक व्यू देखने को मिलेगा जिसमें काफ़ी बड़ी बकेट भी देखने को मिलेगी जो कि इजीली डिगिंग और लोडिंग पर्पज़ के भी काम में आती है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू। अगेन इसमें अराउंड 128 लीटर्स का फ्यूल टैंक के साथ 128 लीटर्स का हाइड्रोलिक टैंक भी देखने को मिलता है। साथ इसमें हाइड्रोलिक टैंक की मिनिमम कैपेसिटी वुड बी अराउंड 85 लीटर्स। सो थोड़ा सा इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ तो इसमें सबसे पहले पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा नॉर्मली, एंड कुछ लाइट्स के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगेन नीचे में इसके ड्यूअल ब्रेक्स के साथ एक्सीलेटर भी देखने को मिलेगा। अगेन कुछ लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगेन साइड में इसमें 4 गियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये अगेन ये है फ्रंट लोडर के कुछ कंट्रोल्स का लीवर देखने को मिलेगा इसमें वो, एंड नीचे में एक हैंड ब्रेक है। साथ ही ये इसका RPM मीटर कह सकते हैं इसके जनरल। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे जिसमें लाइट्स, फैंस एटसेट्रा वगैरह के। यह एक एक्सेलेटर लीवर भी देखने को मिलेगा जिसमें अपन इजीली एक्सेलरेशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो रूफटॉप की अगर बात करते हैं तो स्पीकर्स की प्लेसमेंट के लिए नेट दी हुई मिलेगी। अगेन इसमें स्टीरियो भी फिट है। एंड लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं तो इसमें एक LED लैंप भी दिया हुआ होगा। एंड साथ ही फ्रंट डोर्स की अगर बात करें तो दोनों हाइड्रोलिक मिलेंगे। एंड अगेन रियर डोर की अगर बात करें तो इसमें रियर डोर भी हाइड्रोलिक मिलेगा। साथ ही बैक व्यू के कुछ कंट्रोल के लीवर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसमें। सो दिस इज द ओवरव्यू। एंड अगेन इंटीरियर से लुक देखें तो कुछ ऐसा इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें काफ़ी जगह स्पेस भी देखने को मिलेगा मोबाइल होल्डर टाइप में। अगेन यहाँ पे टूल बॉक्स भी है ये। सो थोड़ा सा इसका ड्राइविंग और व्यू दिखा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही इंजन साउंड इसकी थोड़ी सी लाउड होती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है अगेन मुझे तो, बट दिस इज़ द ओवरऑल लुक। अगेन इसमें फ्रंट में विंडशील्ड वाइपर भी देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट ए लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन नियर द सब्सक्राइबर बटन। थैंक यू अंटिल वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।